अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर, यस ये सर। यही क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, कुछ और दिया था मैंने। हाँ? भूल जाते हो क्या? टाइम ज्यादा हो जाता इसीलिए भूल जाते हो क्या? हाँ? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वीटी ग्राफ पढ़ा था। वीटी ग्राफ में क्या पढ़ा था? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमें? इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। और वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है हमें? एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। देखो हमने क्या पढ़ा था? एक्सटी ग्राफ पढ़ा था। एक्सटी ग्राफ क्या बताता था? हमारा स्लोप बताता था उसको। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या बताता था? हमें वेलोसिटी बताता था। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। और एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसमें ये ग्राफ दिया हुआ था। आपको क्या पूछा था? पोजीशन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकंड पे। टी इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या? देखो यहां से टी इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या यहाँ पे है? टी इक्वल टू 5 सेकंड है कि नहीं? यस सर, तो यहां से अगर इस ये वाला एरिया अगर मैं निकाल दूं, यहां से इस साइड वाला ये सारा एरिया अगर मैं निकाल दूं, क्या ये 0 के रेस्पेक्ट में पोजीशन होगी कि टी टी इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या पोजीशन थी हमारे ऑब्जेक्ट की? होगी कि नहीं? यस सर। यस सर, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है कि नहीं? बताता है ना? यस सर, अरे डिस्प्लेसमेंट बताता है एरिया अंडर द, एरिया अंडर द वीटी कर्व। यस सर, अब यस देखो सर, इनिशियल पोजीशन इसकी अगर 0 है, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन को ले रहे हैं 0, तो अगर मुझे फाइनल पोजीशन मिल जाए तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल है? पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन क्या है? एरिया अंडर द वीटी कर्व है कि नहीं? यस सर, यस आपको सर, आपको इसके नोट्स मिले आधे? अब यहां से लेके अगर मैं ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा? लेकिन अब मुझे देखो यहां से कोई एक शेप नहीं दिख रही जिसका मुझे फॉर्मूला याद हो एरिया का, तो मैं क्या करूंगा? यहां से 3 शीट में बना लूंगा। एक यहां से यहां तक इसको मैंने 1 मान लिया, और यहां से यहां तक का एक एक बना लिया मैंने रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बनना है, इसको मैंने 2 मान लिया। और यहां से लेके ये वाला एरिया मैंने क्या मान लिया? 3 मान लिया। ये भी रेक्टेंगल बनना है। यस यस सर, ये टोटल यस एरिया सर, क्या होगा? टोटल एरिया क्या होगा? A1 + A2 + A3 होगा कि नहीं होगा? यस यस सर, सर, यस यस सर, तो A1 क्या है? A1 क्या है? हाफ ट्रायंगल का एरिया, हाफ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है कि नहीं? यस सर, यस सर, बेस क्या है? ट्रायंगल का बेस क्या है? 2 है बेस, यस सर, 0 से 2 तक जा रहा है ना, तो 2 बेस है। और हाइट क्या है ट्रायंगल की? थ्री हाइट क्या है ट्रायंगल की? अरे टू बेटा टू ट्रायंगल की टू हाइट देखो यहां तक जा रहा है ना, तो हाइट 2 है, हाइट टू भी 2 है प्लस। और देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट, या सर, लेंथ इनटू विड्थ। तो देखो लेंथ यस क्या सर, है? लेंथ 2 है, 4 से 2 तक 2 लेंथ हो गई। और यस हाइट, हाइट भी सर, 2 है, यस देखो हाइट भी 2 है। और सिमिलरली इसका यस क्या हो सर, जाएगा? थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? ए3 क्या होगा? 1। ये 4 से 5 के बीच में 1 हो रहा है ना, 1 इनटू यस हाइट सर, क्या है इसकी? हाइट क्या है इसकी? 3 है। देखो 3 यस है कि नहीं? सर, हाइट यस सर, हाइट 3 है। तो देखो क्या हो यस जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 + 2 × 2 4, 4 + 3 कितना आ गया आंसर? 9, नाइन आया। यस सर, यस सर, तो क्या हो गई पोजीशन? क्या हो गई? 9 मीटर। क्लियर है? यस यस सर, आगे बढ़े? यस यस सर, सर, यस सर, ओके देन। अब हम आते हैं एवरेज एक्सिलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी देखो आप इसको ऊपर वाले को देख रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट से जा रहा है कि नहीं? ऊपर वाले को देखो, अभी नीचे वाले यस को भूल सर, जाओ, सेम सेम वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इसका क्या है? 0 है। जीरो, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट
टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखो, अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को देखोगे तो ये देखो स्टार्टिंग में बहुत स्लो चल रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही वेलोसिटी। यस सर, यस सर। तो इसकी वेलोसिटी अगर हमें कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, टोटल कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में टोटल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, टोटल माने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ऐसे ही हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़ा था। यस सर। पढ़ा था कि नहीं, याद है आपको? याद है कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड याद है कि नहीं? यस सर। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि एवरेज एक रेंज के लिए, टाइम रेंज में जो चेंज इन वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, उसका अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आता है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो, किसी एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पूछे तो, किसी एक पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, किसी बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन पूछता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डीटी होता है कि नहीं? देखो yes, जो वेलोसिटी क्या होता है, देखो अगर मैं आपको एक्स का कोई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डीएक्स बाई डीटी, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डीवी बाई डीटी। ऐसे करके मैं एक स्लाइड और बताऊंगा आपको, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ में आया? टोटल चेंज इन टाइम को क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। स्मॉल चेंज, किसी एक इंस्टेंट में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, बहुत ही छोटे टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय उस छोटे से टाइम का अगर हम डिवाइड कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है पूछा इसने, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन टाइम इंटरवल 2 to 4। तो क्या हम एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बताता है, यहां से हमने देखा था जो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अब हमें पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन 2 to 4 seconds के बीच में, क्या मैं 2 to 4 seconds के बीच का अगर मैं स्लोप निकाल दू, यहां से लेके इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल दू, तो क्या वो एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन? यस होगा कि नहीं? इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल दूं, मान लो ये थोड़ा बाहर बना दिया, ये मान लो एंगल अगर थीटा है, तो मुझे ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी है, क्या मैं इसको 10 - 6 लिख सकता हूं? यस सर। हां, 10 ये है या ऊपर 10 है नीचे 6 है, तो 10 - 6 कितना आ गया, 4 आ गया। Yes, sir. ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली 2, ये जो लेंथ है ये क्या है, 4 - 2 है। yes, तो sir. देखो, देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप 10 थीटा होता है कि नहीं? यस सर। 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे ये बताओ, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये वाला बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, 4 है। यस सर। बेस क्या है 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया, स्लोप कितना आया है, 2, और स्लोप ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2 meters per second। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस। सिमिलरली देखो, यहाँ पे क्या है कि लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर किसी पॉइंट पे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकालोगे, वो भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। वीटी कर्व में अगर स्लोप कांस्टेंट हो, अगर देखो स्लोप अगर कांस्टेंट है, स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। और इसका स्लोप क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा? Yes, sir. स्लोप अगर कांस्टेंट है वीटी ग्राफ में, अगर किसी लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, तो क्या उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा?
तो वही होगा कि अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, स्लोप अगर कांस्टेंट है, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होंगे, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होंगे। आगे बढ़े। यस सर। अभी हमें एक और क्वेश्चन आता है, विष्णु इज साइकिलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड। देन एट टाइम t इक्वल टू 0 अ विंड ब्लोइंग कॉजिंग अ एक्सेलरेशन एज सीन इन द डायग्राम बिलो। यानी कि ये एटी ग्राफ दे रखा है, एटी ग्राफ दे रखा है। एटी ग्राफ में आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी आफ्टर द विंड ब्लो। एक चीज याद रखिएगा, एरिया अंडर द एटी कर्व, एटी कर्व का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अभी आप एक चीज देखो कि आपको किस कहां पर पूछा है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी उसकी 5 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे बदला है, देखो 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, फिर एक्सेलरेशन कम होता गया नेगेटिव होता गया है। तो आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी अगर इसका एरिया निकाल दो, टोटल एरिया का, इसका ये वाला एरिया और यहां से लेके ये वाला एरिया, ये वाला अगर एरिया निकाल लो, तो क्या ये एरिया चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा? Yes, नहीं। तो ये एरिया अगर चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा, तो हम दोनों, ये देखो ऊपर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, टी एक्सिस, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये तो क्लियर है, ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। अब देखो इसको जब हम ड्रॉप करेंगे तो ये सर 3 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा शायद, हाँ 3 पे मिलेगा। ये अगर 3 पे मिल रहा है तो देखो आगे मिलाया होगा इसमें, 3 पे मिलेगा ये वाला। देखो यहां से थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये अगर 3 पे मिल रहा है तो क्या ये रेक्टेंगल बन गया 1? यस सर। ये रेक्टेंगल बन गया 2, ये बन गया 3 मान लेते हैं। चलो ये टोटल एरिया A1 क्या है, A1 निकाल लेते हैं, A1 प्लस A2 है कि नहीं, A1 डैश बोल लेते हैं, A1 डैश प्लस A2 डैश है कि नहीं? यस सर। A1 डैश क्या होगा, A1 डैश मतलब ये वाला रेक्टेंगल, A1 डैश क्या होगा, 3 × 4 आएगा। देखो इसकी विड्थ क्या है, 3 है और हाइट क्या है, 4 है। देखो इस ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा, बेस क्या है इसका, बेस यहां से लेके यहां तक है बेस इसका, 7 में से 3 है, 4 बचा। यस सर। हाइट क्या है, 4 है, हाइट भी 4 है, तो इसका एरिया क्या आ गया, 3 × 4 कितना, 12 प्लस यहां से क्या आएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, 8 आएगा। यस सर। तो ये क्या आ गया, 20 किसका आया, ये पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला एरिया निकाल लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं। चलो A2 क्या आएगा, A2 क्या आएगा, 1/2 बेस क्या है, बेस नेगेटिव का आएगा, ये नेगेटिव एरिया आएगा कि नीचे है, तो यस सर। 1/2 बेस क्या है इसका, बेस देखो यहां से यहां तक ये बेस है 2, और हाइट क्या है, हाइट क्या है, देखो हाइट यहां 2 तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, हाइट भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 आया कि नहीं आया, एरिया माइनस के 2, सॉरी यस सर, A2 माइनस के 2 आया। अब हमारा जो टोटल एरिया क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, एरिया, एरिया अंडर एटी कर्व है कि नहीं? यस सर। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा कि नहीं? फाइनल में क्या वेलोसिटी थी और इनिशियली में क्या थी? अब एरिया अंडर द कर्व क्या आया, 20 − 2 है कि नहीं, ये वाला एरिया टोटल और माइनस की ये वाला एरिया। अब वी फाइनल हमें निकालना है, वी इनिशियल आपको क्या दिया, देखो 5 मीटर पर सेकंड दिया कि नहीं, 5 मीटर पर सेकंड, यस सर। तो यहां पे 5 रख दो, इक्वल टू क्या हो गया, यहां से कितना बचा, 18। तो वी फाइनल क्या आ गया, 18 + 5 23 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया वी फाइनल? यस सर। आपको आपको समझ में आ रहा है? आपको देखो एक चीजें अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ। ये देखो अभी आपने क्या पढ़ा है, एक तो एक्सटी कर्व पढ़ा है, एक एक्सटी कर्व पढ़ा है जिसका स्लोप, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देगा आपको,
एक्स टी कर्व का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्स टी कर्व का स्लोप देता है वेलोसिटी। और उसके बाद पढ़ा आपने वीटी कर्व, वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको? वीटी कर्व का स्लोप एक्सीलरेशन। और वीटी कर्व का जो एरिया है वो क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब जो एक और कर्व बचा जिसको हम यहां लिख देते हैं, चलो यहां पर लिख देता हूं, एक और कर्व बचा क्या? एटी कर्व। एटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको? जर्क। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है एक्चुअली में, इसलिए मैंने नहीं बताया था उस टाइम पे। जर्क होता है झटका। आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि आप अगर खड़े हुए हो कहीं पे, अचानक से आपको पीछे से कोई धक्का दे दे, जो आपको झटका लगता है ना, अचानक से झटका लगता है आगे की तरफ, उसी को हम बोलते हैं जर्क। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको पढ़ना नहीं है ये। और एटी कर्व, एक एटी कर्व का जो एरिया होता है वो क्या देता है आपको? एरिया एटी कर्व का वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये तीनों कर्व आपको याद रखने हैं कि एक्सटी कर्व का स्लोप क्या करता है, वीटी कर्व का स्लोप क्या करता है, और एटी कर्व का स्लोप क्या करता है, वीटी कर्व का एरिया क्या करता है, और वीटी कर्व का डिस्प्लेसमेंट क्या, सॉरी एरिया क्या देता है। अभी देखो हमने पढ़ा था इससे पहले कि देखो एक्स वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या थी? डी एक्स वाई डी टी थी। यस सर। या फिर इसको एस के टर्म में लिख दो, डिस्प्लेसमेंट एस के टर्म में लिख दो, यही थी कि नहीं? अगर वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, ds वेक्टर y dt हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या था वेक्टर फॉर्म में? dv वेक्टर y dt था। यस सर। वही हम देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करें, ये डिफरेंशिएट ही तो किया हमने, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट किया है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है, और एक्सीलरेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमें साइकिल याद रखनी है, इससे काफी सारे क्वेश्चन होंगे आपके, काफी सारे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेट करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है आपको ये? इस पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी आपको। यस सर। मुझे दो लोगों की आवाज आ रही है, बाकी लोग, बाकी लोगों को क्लियर है? अभी 43 पीपल है। yes. बाकी लोग Yes, तो बोला करो yes. यार आप लोग एकदम साइलेंट बैठे रहे तो मुझे पता ही नहीं चलता समझ में आ रहा है कि नहीं। yes, sir. अभी देखो ये क्वेश्चन yes, अभी आपको क्या दिया हुआ है? आर टी दिया हुआ है, यानी कि आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है क्या? 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 0 सेकंड। पे एक्सीलरेशन पूछा है तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है? पहले तो ये बताओ, वेलोसिटी डी आर वाई डी टी होगा, यहाँ पे आर की फॉर्म में है। एक्सीलरेशन क्या होगा? डीवी वाई डी टी होगा। यस। क्या पहले हम इसका डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाले? डी आर वाई डी टी अगर हम करेंगे तो 15, देखो आर की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन आर की पावर एन माइनस वन होता है फॉर्मूला। अरे x की पावर n ले लो, yes, याद okay. नहीं है तो x ले लो, होता है तो यह t स्क्वायर का फॉर्म। डिफरेंशिएट क्या होगा? t स्क्वायर का डिफरेंशिएट बताएगा कोई? डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से x की पावर n से। देखो पावर आगे आई है, पावर आगे आई है कि नहीं आई है? 2t रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। हाँ, 2t रेस टू पावर 2 माइनस 1, बिल्कुल। तो ये 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, आई कैप प्लस 4 का कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था बेटा। आपने मैथमेटिकल टूल थोड़ा सा पढ़िए, मैथमेटिकल टूल इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। मैथमेटिकल टूल में मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और देखो 20 का ऐसे कैसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का फिर क्या हो जाएगा? 2 टी की पावर 2 माइनस 1 जे कैप। अभी देखो
यहाँ से 15 इंटू टू 30 हो गया, यस सर, टी की पावर 1 बचेगा, 1 की पावर जे कैप आई कैप प्लस, यहाँ से 0 है तो यहाँ प्लस हट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, 20 इंटू टू 40, देखो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कॉन्स्टेंट का इंट्रीशन उसके साथ जो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, जैसे 4 है यहाँ पर, क्या मैं 4 को टी की पावर 0 लिख सकता हूँ, 4 टी की पावर 0 लिख सकता हूँ 4 को, क्या इससे 4 पर कोई फर्क पड़ेगा, लिख सकता हूँ कि नहीं, यस सर, है तो देखो 4 पावर आगे आएगी डिफरेंशिएशन में, पावर आगे आ गई 0 इंटू टी की पावर 0 माइनस 1, अगर 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, यस सर, डिफरेंशिएशन यहीं से होता है, ऐसे करके डिफरेंशिएशन होता है। अभी देखो, अभी जैसे ही आपका क्लियर समझ में आ रहा है आपको, ये टी की पावर ये कैसे आया समझ में आया, yes, अब sir. अब हमें एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो क्या हमें डीवी बाई डी टी करना पड़ेगा, yes, sir. अगर हमें डीवी बाई डी टी करना पड़ेगा, जब हम जैसे ही हमें डीवी बाई डी टी करना पड़ा उसके बाद में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 30 इंटू टी की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब 1 पावर ऑफ 1 आ गई टी की पावर 1 माइनस 1 I cap minus 40 into T की पावर 1 minus 1 J cap, क्लियर है, yes. Yes, sir. तो यहां से क्या आ गया 30 I cap आएगा, देखो T की पावर 1 minus 1 0 हो गया, T की पावर 0, yes, T की yes, पावर 0, T की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी कि नहीं, yes, sir. तो 30 I cap minus 40 J cap, अब देखो यहां पे अगर T होता, अगर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मान लो टी की पावर 3 होता तो यहाँ पे टी बचता, अगर टी नहीं बचा है तो हमें क्या करेंगे, तो अगर हमें पूछा है इसने एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो जब टी इन अगर यहाँ पे टी होता, मान लो यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे क्या करते, टी की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर देते, टी इक्वल टू 1 पुट कर देते तब एक्सेलरेशन निकालते, एट टी अब यहाँ पे टी है ही नहीं तो यही एक्सेलरेशन होगा टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस माइनस के 40 का स्क्वायर आएगा कि नहीं, yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 900 प्लस 1600, yes, sir. तो ये आंसर आएगा आपका कितना 25 550 आंसर आएगा, 50 मीटर पर सेकंड उसका, ये समझ में आया आप लोगों को, yes, sir. क्लियर sir. हुआ, क्लियर हुआ, yes. Yes. सर आगे बढ़े sir. आगे बढ़े फिर, हाँ किसी को कंफ्यूजन, नो सर, सर हाँ हाँ बताओ बताओ क्या पूछना चाह रहे हो, सर एक्सेलरेशन में सर टी की सर पावर 1 माइनस 1 कैसे आएगा, टी की पावर देखो ये फॉर्मूला देखो एक्स की पावर एन इक्वल टू, देखो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आया है कि x की पावर n है उसको जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और जो वेरिएबल होता है पावर में एक कम हो जाती है n माइनस 1, आपको कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पावर माइनस 1 हुआ, ये वाला t की पावर, ये वाला, यस सर, अब देखो यहाँ पे क्या है t की पावर 1 है कि नहीं ये बताओ, 1 है पावर, यस सर, जब फॉर्मूला क्या है पावर आगे आ जाती है पावर में एक कम हो जाती है, वन कम हो जाता है, अब देखो यहाँ पे वन थी डिफरेंशिएशन किया हमने इसका, वन आगे आ गई, मल्टीप्लीकेशन टी, टी की पावर 1 पहले से थी और माइनस 1 देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन, एन जो क्या है वेरिएबल है, एन की जगह पे इसमें क्या है 1 है, जो पावर थी उसमें से 1 को माइनस कर दिया हमने, 1 माइनस करते, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ किया टी की पावर 1 है
40 इंटू वन लिखते हैं एक्चुअली में, 40 इंटू वन इंटू टी की पावर वन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन होता है ना, एन की जगह पे यहाँ पे क्या है, वन है कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ तो वन माइनस वन कैसे आया, क्लियर हुआ? यस सर। और किसी को कंफ्यूजन? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, यस। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी आप जितना भी पढ़ोगे जनरली M1D में आप पढ़ोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही ओनली, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे जैसे AT ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है विद टाइम एक्सिस। क्यों बनना है, देखो आप किसी भी टाइम पे देखोगे, T1 टाइम पे अगर इसकी वैल्यू मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो देखो T1 टाइम पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, T2 टाइम पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? Yes, sir. जैसे आपका ऑब्जेक्ट कोई ऊपर बिल्डिंग से फेंकोगे तो उस पर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, नीचे की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है कि नहीं? 9.81 मीटर पर सेकंड उसका है, हमेशा उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है डाउनवर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं हम उसको। इसीलिए हम जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो एरिया होता है, एटी ग्राफ का एरिया मैंने आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी होती है। यस सर। तो ये देखो एरिया को इस फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर का एप्लीकेशन, वो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जो बताया था, एरिया कैसे लिमिट लिखते हैं कि ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ये डेफिनेट इंटीग्रल में एटी इसका जिस ग्राफ का जो फंक्शन दिया हुआ है इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। और वेलोसिटी का अगर मॉड निकाल दें, वेलोसिटी को अगर मॉड में रख दें तो क्या आ जाता है, स्पीड होती है कि नहीं, स्पीड वेलोसिटी का मॉड। यस सर। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। Yes, अभी हम आते हैं जो ग्राफ्स हम कैसे कैसे बनते हैं एक्चुअली में। अब देखो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं पहले, कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, एटी ग्राफ, नो सॉरी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैंने आपको बताया था स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वेलोसिटी बताता है। अभी देखो फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है क्या उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा? नो सर। अब देखो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, मान लो आपके टेबल पे कोई लैपटॉप रखा हुआ है टेबल पे, तो लैपटॉप जितना डिस्टेंस पे है आप एक घंटे बाद देखोगे तब भी उतनी डिस्टेंस पे होगा जमीन से, ग्राउंड से। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या थी आपकी, पहले जो डिस्प्लेसमेंट पे था, जितने डिस्प्लेसमेंट पे था उतने पे ही है, लेकिन टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये रेस्ट पे है? Yes, sir. Yes, sir. है? Yes, sir. या फिर एक चीज से और समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, और जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है, जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो देखो इस लाइन का इस लाइन का स्लोप जीरो है कि नहीं, इस लाइन का स्लोप। यस सर। इस लाइन का स्लोप क्या है, जीरो। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस लाइन का स्लोप अगर जीरो है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो अभी देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटीज का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सटी में कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनेगा। एक्सटी में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब जो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। Yes, क्योंकि एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप बताता है, अगर स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए तो क्या आप ये बताओ मुझे, ये लाइन कांस्टेंट स्लोप को शो कर रही है कि नहीं कर रही है, वाली लाइन? Yes, sir. कांस्टेंट स्लोप को शो कर रही है, तो ये लाइन इसका मतलब जो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ बनाएंगे अगर हम एक्सटी ग्राफ में, तो क्या बनेगा, कांस्टेंट स्लोप बनेगा। ऐसे ही अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अभी देखो एक्सटी ग्राफ में,
एक्सेलरेशन, अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन लगा हुआ है, किसी बॉडी पे अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी? यस सर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अगर उस बॉडी पे लग रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी? यस सर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्या उसका स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए? यस सर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका जो ग्राफ है उसका स्लोप भी इंक्रीज होना चाहिए। अब ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, इस पॉइंट का जब आप स्लोप देखोगे, इस पॉइंट का अगर आप स्लोप देखोगे तो देखो ये वाला एंगल बनना है थीटा। अगर इस पॉइंट का स्लोप देखोगे तो देखो ये वाला एंगल बनना है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस ग्राफ का? तो इस ग्राफ को मैं क्या बोल दूं, इंक्रीजिंग स्लोप बोल दूं? यस सर। अभी आपको ये ग्राफ हर जगह काम आएगा। अभी इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ का कैसा बनता है ये देख लो आप एक बार। इंक्रीजिंग स्लोप क्या बनता है, ये ऐसे करके जो ग्रुप स्लोप बनता है उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। यानी कि जैसे कटोरी, कटोरी होती है ना कटोरी, अगर इस ये ग्राफ अगर ये कंप्लीट कर रहा है तो ये इंक्रीजिंग स्लोप, और अगर इसको कंप्लीट कर रहा है तो डिक्रीजिंग स्लोप। ये देखो ये कौन सी कटोरी कंप्लीट कर रहा है, देखो इस वाली को कर रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ है। अब देखो कांस्टेंट रिटार्डेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रिटार्डेशन में है तो कांस्टेंट रिटार्डेशन का मतलब है कि आपकी गाड़ी किसी वेलोसिटी से चल रही है, आपने अचानक कुछ दिखा उस टाइम पे ब्रेक मारी। ब्रेक क्या होती है, रिटार्डेशन का मतलब है आपका एक्सेलरेशन तो लग रहा है लेकिन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्या वो वेलोसिटी को गिराएगा, कम करेगा रिटार्डेशन? यस सर। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव लग रहा है किसी वेलोसिटी पे, क्या वो वेलोसिटी को कम करेगा? यस सर। अगर वो वेलोसिटी को अगर कम करेगा तो क्या उसका स्लोप जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कम होना चाहिए, गिरता हुआ होना चाहिए? यस सर। यस सर। तो आप जरा एक बार देखोगे तो इस लाइन का देखोगे ना स्लोप गिरता हुआ, देखो ये इस पॉइंट का अगर मैं स्लोप निकालू, देखो इसको एक्सटेंड एक्सटेंड करते 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 ये एक छोटा सा एंगल बनना है, ये एक छोटू सा एंगल बनना है। ठीक है, इस पॉइंट का अगर स्लोप निकालोगे तो देखो ये वाला एंगल बनना है, ये वाला एंगल। जैसे जैसे टाइम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या स्लोप गिरता जा रहा है इस ग्राफ का? तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे क्या, डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट वेलोसिटी हो, अब इनफाइनाइट वेलोसिटी हो, वेलोसिटी अगर इनफाइनाइट है तो क्या उसका स्लोप भी इनफाइनाइट होना चाहिए? Yes, sir. तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा स्लोप जीरो होता है और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या है, इनफाइनाइट। क्या ये इनफाइनाइट स्लोप ग्राफ है? Yes, sir. है, क्लियर है आपको ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? क्लियर है। Yes, sir. अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है आपको, स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है, एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है कि नहीं? अब देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा? क्योंकि देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी भी टाइम पे, देखो इस टाइम पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कांस्टेंट स्लोप है? और कांस्टेंट स्लोप यानी कि जीरो, या फिर जीरो स्लोप बोलो, जीरो स्लोप बोलो, कांस्टेंट स्लोप मत बोलो, इसको जीरो स्लोप बोलो। अच्छा जीरो स्लोप क्यों है, देखो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है कि नहीं बताता है? यस सर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं है? यस सर। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब स्लोप भी क्या होना चाहिए, जीरो। इसीलिए ये ग्राफ क्या है, जीरो स्लोप का है। क्लियर है? यस सर। अब देखो यस सर, सेकंड ग्राफ में क्या है, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, अब देखो इस वाले में एक्सेलरेशन क्या है,
कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। तो देखो एटी ग्राफ का जो, एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या वो कांस्टेंट होता है? एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या वो एक्सेलरेशन को शो करता है? एक्सेलरेशन को ही शो करता है ना। सॉरी वीटी ग्राफ का, एटी नहीं वीटी ग्राफ का, सॉरी सॉरी वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या करता है? एक्सेलरेशन को शो करता है। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए? Yes, sir. तो ये क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट स्लोप। अभी मैंने उससे पहले भी बताया था आपको, कांस्टेंट स्लोप ग्राफ है, है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो आपका कोई कांस्टेंट रिटार्डेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, लेकिन उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट में, इनिशियल कोई वेलोसिटी है और कांस्टेंट रिटार्डेशन है, यानी कि कोई गाड़ी आपकी मूव कर रही किसी वेलोसिटी से, तब आप ब्रेक लगा रहे हो, तब आप ब्रेक लगा रहे हो। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, देखो रिटार्डेशन है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, रिटार्डेशन है, हो रहा है, ब्रेक लगा रहे हो तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो क्या उसका एक कांस्टेंट स्लोप होगा? देखो ब्रेक लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि आप वेलोसिटी को कम कर रहे हो। अरे रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है कि आपकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ा रहा है, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी कम कर रहा है। ब्रेक की वजह से हमेशा रिटार्डेशन आता है। और एक्सेलरेटर जब आप हाथ को ऐंठते हो ना बाइक पे, बाइक के एक्सेलरेटर को ऐंठते हो तो उसकी वजह से स्पीड बढ़ती है, वो होता है आपका एक्सेलरेशन। समझ में आ रही मेरी बात? अगर वेलोसिटी घट रही है तो क्या उसका स्लोप भी नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि एक्सेलरेशन, देखो वेलोसिटी मान लो इधर है और एक्सेलरेशन अगर इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? तो उसका स्लोप भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्या है? ये रिटार्डेशन का है, रिटार्डेशन ग्राफ है, लेकिन कॉन्स्टेंट स्लोप है। देखो जरा कॉन्स्टेंट स्लोप है लेकिन नेगेटिव स्लोप है। क्या है? नेगेटिव। सिमिलरली रिटार्डेशन है लेकिन ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन उस पर क्या है? पीछे की तरफ कोई खींच रहा है, पीछे की तरफ जो कोई खींच रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो से स्टार्ट होगा। वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली, देखो इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट जाएगा। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट स्लोप। अभी देखो मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या स्लोप भी इंक्रीज करना चाहिए? क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या करता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो वही स्लोप भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो आप ये वाला ग्राफ, पिछले वाले मैंने आपको बताया था ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होता है। Yes, sir. क्या ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है? Yes, sir. अब देखो मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो ये सिमिलरली अगर ये इंक्रीजिंग का था, ये क्या है? देखो अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है तो क्या स्लोप भी डिक्रीजिंग होगा? यस सर। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अभी हमारा था एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में क्या होता है? एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है आपको? जर्क बताता है। और एटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अभी किसे कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हमें एटी ग्राफ में देखो ये लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रही है। यस सर। ये क्या कर रही है? जीरो स्लो। भाई एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो टाइम के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो क्या उसका स्लोप जीरो होगा एटी ग्राफ? यस सर। तो अगर कोई एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो क्या उसका स्लोप कॉन्स्टेंट होगा लेकिन इंक्रीजिंग होगा? यस सर।
और वही अगर कोई डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन डिक्रीजिंग होगा। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता लगाओगे आप, कि देखो इस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, इतना आ रहा है, जब आप टाइम बढ़ा रहे हो इस टाइम पे पहुंच रहे हो, यहाँ पे पहुंच रहे हो, तो देखो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पे देखो, आप इस टाइम पे थे तो आपका एक्सेलरेशन क्या था, देखो इतना एक्सेलरेशन था इस टाइम पे इतना, अब जब इस टाइम पे मान लो यहां पे अब आ गए कुछ टाइम बाद, तो देखो आपका एक्सेलरेशन इतना है कि नहीं, तो yes, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है, है? Yes, अब हम आए इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई, अभी हमने जैसे मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही पार्ट होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। लीनियर मोशन जो होती है एक्चुअली में तीन टाइप में डिवाइडेड होती है, एक होती है एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जहां पे वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी या मोशन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें आप हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये सिंपल वाला फॉर्मूला है कि नहीं, एसटीडी वाला, एस टी इक्वल टू डी। अब देखो इक्वेशन मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर इक्वेशंस हो, याद रहे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन कहां पर काम करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमारी क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है, ये 1, 2, 3 इक्वेशन हो जाती है। नंबर तीन में क्या होता है, मोशन इन चेंजिंग एक्सेलरेशन, चेंजिंग एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए हमें, यूजिंग कैलकुलस, एडिशनल मैथमेटिक्स चाहिए, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या आप लोग नहीं पढ़ोगे जनरली, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये आपको पढ़नी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम इसका एप्लीकेशन, लेकिन हम उसको फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यहाँ पे एनएलएम में, उसमें सॉरी M1D में नहीं पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे और ये वाला पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे। अभी देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिखाता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखो v u क्या होते हैं, u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट जिससे मोशन स्टार्ट हो रही है, जिस वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट हो रही है वो होता है u, a होता है जो एक्सीलरेशन है इनिशियली, और v क्या है उसकी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है उसे क्या बोलते हैं v। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको बोलते हैं फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए तीनों, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी फिजिक्स में यूज होंगी ये इक्वेशन, इतना याद रखिएगा। देखो होता क्या है कि हम s को, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसमें देखिए देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को है क्या हम फाइनल माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट को हम फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी लिख देते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है, तब जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ती है, कैसे पता चलता है हमें ये लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा। इतना क्लियर हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज की जाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज की जाती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी यूज की जाएंगी, अदरवाइज नहीं की जाएंगी। अभी देखो इस क्वेश्चन को करके बताओ यार, 2 मिनट में फास्ट करो, फास्ट क्विक करो यार इस क्वेश्चन को, हैंड रेज करना तुरंत, क्वेश्चन करते ही आंसर बता देना, चलो कोई नहीं, क्विक करो जल्दी इस क्वेश्चन को। हो रहा है, यस सर, करो सर, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए आ रहा है, कितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है,
आर्यन शिखा का आ रहा है ऑप्शन ए, शिखा गिन्नी शिवम रोहित रिजुल और अंशुल। अच्छा वरुण कुमार का सी आ रहा है, ए समीर राजपूत। ठीक है चलो देखते हैं। बड़ा जिसको जो भी मिस्टेक हुई है वो जरा ध्यान से देखा करें, जिसका गलत हुआ है ना वो थोड़ा ध्यान से देखा करें। अभी देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, किससे स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जीरो 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 इनिशियल वेलोसिटी यू थी ना, यू क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो एक्सेलरेट 4 मीटर पर सेकेंड उसका है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 4 दिया है कि नहीं? और डिस्टेंस सर। कितना ट्रेवल किया है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 15 मीटर। एस कितना दिया गया है? 15 मीटर दिया हुआ है कि नहीं? एस है। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फाइनल वेलोसिटी अगर पूछा है तो आप मुझे इक्वेशन, कोई ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें यू वी यू और क्या पूछा, वी और ए और एस आता हो। कौन सी इक्वेशन? देखो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, और क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है? वी निकालना है, वी निकालना है ना। यस सर। क्या? और देखो टाइम मेरे पास है नहीं, पहली बात ये है, ये देखो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम गिविन नहीं है मुझे। टाइम अगर गिविन नहीं है तो देखो इसमें टाइम आ रहा है, मैं इसको यूज नहीं करता, इसको भी यूज नहीं करता, इसमें टाइम गिविन नहीं है। देखो इस इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा है ना, टी या नहीं आ रहा, तो इसी इक्वेशन को मैं यूज कर लूं अगर, कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। वी स्क्वायर मुझे निकालना है, यू की वैल्यू 0 दी हुई है, प्लस 2 ए क्या दिया हो? ए 4 है ना, यस सर। ए 4 दिया हुआ है, और एस क्या है? एस एस 15 मीटर, तो 15 15 क्या हो जाएगा यहाँ से? 120 120। वी स्क्वायर इक्वल टू 120, अगर वी निकालना है तो अंडर रूट 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर यस सर। है? यस सर। तो ये आप किसी का 360 आया था, 360 कैसे आया था बेटा आपका? किसका 360 भी आया था? किसका आया था 360? चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन और करो, 2 मिनट टाइम के पास, इस क्वेश्चन को करो फास्ट। डी ऑप्शन भी आ रहा है, और किसी का कोई आया हो ऑप्शन बी के अलावा? ऑप्शन बी आ रहा है अगर आपका, तो क्या नाम है आपका? ऑप्शन बी जिसका आया है, ऑप्शन बी किसका आया है? रहे हो या फिर मैं बताऊं? आ रहा है, जवाब तो कुछ है? डी आ रहा है, डी आ रहा है किसी का? डी भी आया है क्या? यस अच्छा डी आ रहा है किसी, हाँ हाँ बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, चलो देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। देखो अ बॉडी इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी है, इसका मतलब ये क्या दिया? यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, यस
अटेन्स अटेन्स अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसने दी हुई है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। उसने पूछा क्या है एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी। अब देखो आप इक्वेशन को एक बार लिख लिया करो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, मुझे पूछा क्या है एक्सिलरेशन की वैल्यू पूछी है, मुझे डिस्टेंस अगर नहीं दी हुई है, डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो मैं सोचूंगा इसको भी सॉल्व नहीं, इसको भी यूज ना करूं, इसको भी यूज ना करूं। अगर मैं v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और t दिया हुआ है, क्या यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं इस वाली इक्वेशन को यूज करके? Yes, कर सकता हूं कि नहीं? तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लू, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, u क्या है 4, yes, sir. A क्या है A निकालना है मुझे, और टी क्या है 4। तो देखो जरा यहां से इधर 4 ए इक्वल टू 16 आ जाएगा, yes, sir. आएगा ना, yes, sir. तो ए इक्वल टू क्या आ गया 4 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया? Yes. Yes, ऑप्शन क्या है डी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके अभी अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, आप घर से करके लाओगे, होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है 19th of Jan का, ले लिया स्क्रीनशॉट? इसका स्क्रीनशॉट और लो, ये भी आपके लिए क्विक असाइनमेंट 2 है, ये भी होमवर्क है। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस यस सर। अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके साथ में, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ में, कब 20 को, 20th of Jan को आपका ये स्टार्ट होगा, क्या रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये स्टार्ट होगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है अभी एंड करते हैं क्लास को। यस सर। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।